हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस 12 साइंस बायोलॉजी के लिए आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। या फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन के बारे में आप ऑलरेडी आपके अर्लियर सेक्शंस में पढ़ चुके हैं, इन योर 9th स्टैंडर्ड, इन योर 10th स्टैंडर्ड एंड इवन इन योर 11th स्टैंडर्ड किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे में आपने इसका बेसिक डेफिनेशन ऑलरेडी देखा है। फिर भी लेट्स रिवाइज इट टुगेदर कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्यों है और होता क्या है, लाइक व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम वर्ड की बात करें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। री आर ई री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? It is nothing but it is defined as the process of production of young ones or offsprings, we can say, like parents. What are offsprings? Offsprings are nothing but the newer generation which is obtained from the parents is known as an offspring or a young one. Okay, so ye tha aapka reproduction ka basic definition. Ab baat aati hai ki reproduction important kyun hai? क्यों किसी भी चीज का हमको नया कॉपी बनाना है या हमको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग चाहिए ही चाहिए? सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। अगर रिप्रोडक्शन ना हो, अगर हमारा नेचर अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो पॉपुलेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। और अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो बात आ जाएगी फिर वहीं पर कि टोटली एवरीथिंग विल गेट एक्सटिंक्ट, एक्सटेंशन का इधर पे सवाल उठ जाएगा। आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि नेचर में बहुत सारी ऐसी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं जो हमारे यूनिवर्स से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट हो जाना यानी कि खत्म हो जाना। अगर कोई भी चीज रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करवाना बंद करवा दें या स्टॉप करवा दें, तो उससे होता नुकसान ये है कि उस चीज का क्वांटिटी कम हो जाता है, वो चीज एक्सटिंक्ट होने लग जाती है। अब यही चीज अगर आप इमेजिन करें कि डायनासोर्स ने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया इसीलिए वो आज एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, दे वर नॉट वेरी यूजफुल टू द एनवायरमेंट और हम और वो साथ साथ नहीं रह सकते थे इसीलिए उनका एक्सटिंक्शन का इतना ज्यादा हम पर असर नहीं पड़ रहा है। बट जस्ट इमेजिन जो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट जो हर्ब्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अगर उनका रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए तो क्या आगे हमारा नेचर मतलब हमको ज्यादा फ्रूटफुल होगा या हमको ज्यादा बेनिफिट दे पाएगा? नहीं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो पुराने पेरेंट प्लांट होते हैं उनका हम एक कॉपी बनाकर रखें, या अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो उनका रिप्रोडक्शन ना स्टॉप करें। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर आपको समझ गया हो तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वी डिफाइंड इट एज प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस जिसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग लाइक पेरेंट्स। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई डू वी नीड टू डू द रिप्रोडक्शन। सो द सेकंड द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर टू थिंग्स, इट रिजल्ट्स इन टू प्रोसेसेस for continuation of species, as I said about the importance of medicinal plants. If we do not reproduce it, it will lead to an extinction of those plants. And the second one is continuity of life. Just like medicinal plants, there are also very important living organisms which are very very important for the sustainability and for the maintenance of humankind. बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बिना ह्यूमन लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम डिटेल में। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का मोड अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स बॉडी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा, एन नंबर ऑफ रीजंस हैं। तो जनरली दो मेथड्स कैटेगराइज किए गए हैं रिप्रोडक्शन के जो ऑब्जर्व किए गए हैं नेचर में, वो दो मेजर मेथड्स हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ जब हम किसी वर्ड के आगे ए लगाते हैं, असेक्सुअल, इट मींस एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। समझाती हूँ क्या है इसका मतलब। आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है, अपोमिक्सिस। व्हाट इज दिस वर्ड? आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड दिया नहीं है,
ये मैंने लिखा इसीलिए है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. एंट्रेंस में नीट एग्जाम जब आप अपियर करेंगे तब कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. होता क्वेश्चन सिंपल है लेकिन टर्मिनोलॉजीज वहां पर काफी कॉम्प्लिकेटेड यूज की जाती है. सो यू शुड नो विच इज द ऑल्टरनेट टर्म फॉर द सेम प्रोसेस. दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है. आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो या अपोमिक्सिस बोलो दोनों का मतलब सेम है. अपोमिक्सिस का मतलब होता है क्या है. अपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स फ्यूजन. सी डिफाइनिंग एनी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी और रिमेम्बरिंग एनी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इज वेरी इजी अगर आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया है. और मेरा तरीका ये है कि मैं वर्ड्स को तोड़कर समझाती हूँ. तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो छोटे छोटे वर्ड्स, बड़े वर्ड्स कई बार हमको याद नहीं रहते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्नैक्युलर मीडियम से होते हैं, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं. बट ऑब्वियस, बट दीज आर साइंटिफिक टर्म्स, दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स, दीज आर साइंस वर्ड्स जो कि कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो और फिर उसको समझने की कोशिश करो. तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. अभी मिक्सिस का मीनिंग याद रखना इजी है. मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. लेकिन अपो ये वर्ड जो है ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जब हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वहां पर ये वर्ड यूज हुआ है. तो अचानक से ये वर्ड आपको दिख जाए और आप डर जाओ इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूं ताकि आप बाद में ना डरें. तो अपोमिक्सिस क्या होता है. इट इज विदाउट फ्यूजन. क्या व्हाट इज विदाउट फ्यूजन. इसका कंप्लीट डेफिनेशन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट इज अ यंग वन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स. अब यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया है गैमेट्स या सेक्स सेल्स जिनको हम जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं. ये गैमेट्स होते क्या है आपने 11th स्टैंडर्ड के सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा है. गैमेट्स दो तरीके के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. गैमेट्स जो होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड कंडीशन में. हैप्लॉइड यानी कि क्या होता है प्लीज ये वर्ड्स को समझ लीजिए. ये आपने डिटेल में सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा है. हम सिर्फ क्विक जिस्ट ले रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं. हैप्लॉइड यानी कि एन और डिप्लॉइड यानी कि 2n. नाउ व्हाट इज दिस एन एंड व्हाट इज दिस 2n. एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन योर जीनोम और प्रेजेंट इन योर डीएनए. एन मतलब कितने क्रोमोसोम्स आपके डीएनए में प्रेजेंट है. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो आंसर आएगा मुझे कि टोटल होते हैं ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स. सिंगल सिंगल अगर काउंट करें तो 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन यूजुअली हम पेयर में काउंट करते हैं. तो हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स जिसको हम लिख सकते हैं 2n. ओके लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स हैं 2n ये पाए जाते हैं एक जायगोट में. मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे, फीमेल में हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे. जब ये दोनों फ्यूज होंगे तब जाके हमारे पास जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें आएंगे डिप्लॉइड गैमेट्स. ओके सो अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रिवाइज योर सेल डिविजन. ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स वाला पार्ट अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. फिर भी हमने थोड़ा सा एक जिस्ट देख लिया है कि गैमेट्स आखिर होता क्या है. गैमेट्स आर नथिंग बट दे आर द सेक्स सेल्स विच व्हेन फ्यूजेस टुगेदर प्रोड्यूसेस अ जायगोट. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके मूविंग अहेड, सिंस दिस इज नॉट द चैप्टर ऑफ सेल डिविजन लेट्स मूव अहेड. तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया. सबसे पहले तो उसका अल्टरनेटिव टर्म क्या है ये कभी नहीं भूलना है. अपोमिक्सिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोमिक्सिस, विदाउट फ्यूजन. एंड देन द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स. सिमिलर टर्म्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिया गया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी एक अल्टरनेटिव टर्म है जिसको जैसे आप देख सकते हैं एम्फीमिक्सिस यहाँ पर बोला गया है. अब एम्फी ये वर्ड याद रखना बहुत सिंपल है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एम्फीबियंस, मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. एम्फी, एम्फी वर्ड का मतलब ही होता है दो. तो यहाँ पर देखिए एम्फी का मीनिंग क्या दिया गया है हमको, बोथ. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सिस दैट इज गिवन ओवर योर, फ्यूजन.
ओके, सेम टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो क्या फ्यूज हो रहा है? फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ये जो गैमेट्स था आपको यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वही चीज यहाँ पर मैंने मेंशन की है। मेल से एन नंबर ऑफ गैमेट्स आएंगे, फीमेल से एन, तब जाके हमारा जो जायगोट है, जायगोट यानी कि दोनों का फ्यूजन करके, दोनों का फर्टिलाइजेशन करके जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो हमको ऑफस्प्रिंग मिलता है, दैट इज नोन एज जायगोट। उसमें होंगे टोटल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दिस इज एन इज हैप्लॉयड एंड 2n इज डिप्लॉयड। प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें आपको अच्छे से याद रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स क्विकली रिवाइज। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ओके, सो दैट वी डू नॉट फेस एक्सटिंक्शन, एंड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? जनरल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच आर कैटेगराइज्ड टू मेथड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज अपोमिक्सिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स विदाउट फ्यूजन, एम्फीमिक्सिस मीन्स विद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऑलराइट, आर वी क्लियर अप टिल हियर? हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अच्छे से देख लिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अपोमिक्सिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एम्फीमिक्सिस। अब थोड़ा सा यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जैसे कि बोला, इट इज विदाउट इन्वॉल्वमेंट और विदाउट फ्यूजन ऑफ एनी गैमेट्स। अब जब हम बात करते हैं कि कोई बाहर से गैमेट्स नहीं आ रहे, मतलब हम यहाँ पर ना तो मेल ना तो फीमेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग हमको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मतलब उसके अंदर का जीनोम कैसा होगा, उसके अंदर का डीएनए कैसा होगा, या उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब यहाँ पर बाहर से तो कोई गैमेट आ नहीं रहा है, मतलब मेल फीमेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज इट इज एसेक्सुअल, विदाउट एनी सेक्सेस, विदाउट एनी सेक्स सेल्स। कोई एक ही पेरेंट होता है और वही पेरेंट खुद को डिवाइड कर लेता है। जब जैसे कि अगर हम बात करें किसी पेपर के, अगर हम दो टुकड़े करें तो इस पेपर की क्वालिटी और इस पेपर की क्वालिटी बदल तो नहीं जाएगी, दोनों की क्वालिटी सेम रहेगी, भले ही साइज में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, ओके? सेम वैसे ही जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, तो ना तो इधर पे कोई बाहर का कॉन्स्टिट्यूएंट आया जिससे कि हमको वेरिएशन देखने को मिले। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब समझिए कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें या किसी एनिमल की बात करें, तो मदर और फादर का जीनोम जब कंबाइन होता है, मदर से हैप्लॉयड गैमेट्स, फादर से हैप्लॉयड गैमेट्स आकर जो जायगोट बनता है डिप्लॉयड गैमेट्स का, उसमें आधा 50% कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं, 50% कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होते हैं, और उसके खुद के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके वजह से ऑफस्प्रिंग ना तो हमको कम्प्लीटली मदर जैसा दिखता है और ना ही कम्प्लीटली फादर जैसा, दोनों से अलग। उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, विच वेरीज, लाइक विच डिफरेंशिएट्स द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट। सिमिलरली वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिमिलरली एज इन अपोजिट वे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई बाहर का गैमेट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमको वेरिएशन देखने का सवाल उठता ही नहीं, कोई भी तरीके के चेंजेस हमको दिखाई देंगे ही नहीं। अब अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब सेम है सब कुछ, और जब कोई चीज सेम होती है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, द न्यू जनरेशन विच इज ऑब्टेन। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है आइडेंटिकल, देखा जाए तो बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, इसके पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आई मेक श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स हर एक चीज का डिटेल मतलब समझें। आइडेंटिकल और सिमिलर, इन दोनों चीजों में 0.1 का डिफरेंस है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? जब आप कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड देते हो, जब आप प्रिंट ऑप्शन क्लिक करते हो, तो आपको सेम पेजेस के जो प्रिंट्स मिलेंगे उनकी इंक की क्वालिटी सेम होगी, ओके? लाइक उनका फॉन्ट चेंज नहीं होगा, नथिंग विल गो हियर एंड देयर, यू विल गेट एग्जैक्टली सेम प्रिंट्स इन ऑल द पेजेस।
आपको हर एक पेज पे सेम प्रिंट दिखाई देगा, अंडरस्टैंडिंग। और जब आप किसी चीज का फोटोकॉपी करते हो, मतलब जेरोक्स निकालते हो, तो कभी कभी फॉन्ट नहीं चेंज होता, मतलब साइज चेंज हो जाती है या प्रिंटिंग क्वालिटी चेंज हो जाती है, मतलब फर्स्ट पेपर जो होगा वो फर्स्ट पेपर का क्वालिटी आप कंपेयर करो और आपका जो 20वां पेपर होगा, 20th पेपर होगा, उस पेपर की क्वालिटी आप कंपेयर करो, तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट पेपर और 20th पेपर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन आइडेंटिकल की जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट कॉपी एंड द एंड कॉपी दे शो जीरो डिफरेंस है, और इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं आइडेंटिकल। आई एम टेलिंग यू अगेन, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आइडेंटिकल मींस 100% एक्यूरेसी, इट गिव्स 100% सिमिलर components, and similar means 99% of the things are carried forward, मतलब इसमें 99% accuracy देखने को मिलती है और identical में 100%, which is observed in asexual reproduction. Variations का वापिस बोलती हूँ, यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये word याद रखिए, variation मतलब difference in the offspring, mother और father से बनने वाला जो zygote है, जो child है, मदर और फादर के अलावा भी उसमें कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वो नए कैरेक्टर को हम बोलते हैं वेरिएशन। यहाँ पर मदर फादर का सवाल ही नहीं उठता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वेरिएशंस का भी पॉइंट नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बोला कोई एक ही पेरेंट होगा, वही पेरेंट खुद को डिवाइड कर लेगा, और जब कोई एक ही पेरेंट खुद को डिवाइड करेगा तो बाहर से कुछ नया आने का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसका मतलब कि हमारा जो प्रोजेनी है उसने सारे जीन्स कहां से इनहेरिट किए हैं, इनहेरिट करना मतलब कंटेन करना, पास ऑन करना, तो हमारा जो प्रोजेनी होगा उसने सारे जीन्स कहां से इनहेरिट किए हैं, अपने पेरेंट्स से, और इसीलिए यहाँ पर हमारी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें हमको क्या बोला गया है, दैट द प्रोजेनी इनहेरिट्स द जीन ऑफ द पेरेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन ऑफ सेपरेट गैमेट्स, इट्स जस्ट वन प्लांट गिविंग बर्थ टू टू डॉटर प्लांट्स, सो दैट इज जेनेटिकल आइडेंटिकल, बाहर से जीन्स नहीं आ रहे हैं। एंड द सेकेंड वन इज द प्रोजेनी इनहेरिट्स द जीन ऑफ द पेरेंट इटसेल्फ, क्योंकि एक ही पेरेंट दो में डिवाइड हो रहा है, तो बाहर का जीन तो नहीं आएगा, उसी पेरेंट का जीन होगा, ये कोई एक पेरेंट ये दो में डिवाइड हो गया, यहाँ पे बाहर से कुछ नहीं आया है, तो जो जीन इसमें रहा होगा वही जीन इसमें और इसमें गया, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटिंग द जीन या आइडेंटिकैलिटी। आइडेंटिकैलिटी मीन्स सिमिलर वॉट इज प्रेजेंट इन द पेरेंट। सो इसका कंक्लूजन अगर हम निकालें, हमको जो प्रोजेनी मिलेगी उसका स्ट्रक्चर भी सेम पेरेंट जैसा होगा और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी पेरेंट जैसा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। इसके लिए एक वर्ड है जो भी बोला जाता है क्लोन्स। क्लोन्स यानी कि डिट्टो कॉपी, जैसे मैंने प्रिंट वाला ऑप्शन दिया था, प्रिंट करने से फर्स्ट पेपर और 100th पेपर दोनों का क्वालिटी सेम होगा, एकदम एक्यूरेसी उसकी 100% होगी, उसी को हम बोलते हैं क्लोन्स। ओके, इसका क्लोन्स यानी कि जो हमको पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, हमारा जो पेरेंट है इससे जो ऑफस्प्रिंग हमको मिल रहे हैं उनका स्ट्रक्चर भी सेम है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर एंड लॉजिकली मीन्स स्टडी, सो स्ट्रक्चर एज वेल एज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोजेनी विल बी सिमिलर टू द पेरेंट and that progeny is known as clones. Are we clear up till here? Okay. अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे मोड्स हैं, जिनके बारे में आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा। सेकेंड इज बडिंग, फॉलोड विद एन एग्जाम्पल ईस्ट। थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ क्लैमिडोमोनास। फोर्थ बाइनरी फ्यूजन, गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबा। कोनिडिया फॉर्मेशन ऑब्जर्व इन पेनिसिलियम फंगस एंड गेम्यूल फॉर्मेशन विच इज ऑब्जर्व इन स्पॉन्जेस। ऑलराइट, सो एज वी डिस्कस्ड कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग जो मोड्स हैं उसमें से पहला मोड जो है जो हमने देखा फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल में। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? इट इज अ फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच the parent breaks into fragments, one or more fragments, which is again genetically identical to the parent and it is structurally
इन आइडेंटिकल एज वेल, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो स्पाइरोगैरा का मेच्योर पेरेंट है, ये दिस ऑन ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन इट विल डिवाइड इनटू टू ऑफ इट्स फ्रेगमेंट्स विच विल लुक समवॉट लाइक दिस. नाउ एज यू कैन सी दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज daughter cells, these offsprings are also identical to the parent and hence it is an example of asexual reproduction which follows the mechanism of fragmentation. The second one is budding. What happens in budding? Buds are produced during the favorable conditions on the parent cell. As you can see over here, see, this is the parent cell which consists an outer membrane, a vacuole and a nucleus. Now when the favorable condition arises, this parent cell will start producing its bud, but as you can see, the bud is still attached to the parent. And when it is still attached, it means it is still not ready to leave the parent. It is initially attached to the parent. क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि organelle incomplete है. The parent cell contains vacuole since it is a mature parent cell. But the daughter cell, the bud which is growing on the parent cell, which is attached to the parent cell, does not contain vacuole. It means it still has some time to obtain the nourishment from the parent cell. Once the bud gets matured completely, once all the organelles are developed, or we can say once all the organelles are produced, the development can take later on, but when once all the organelles are produced in the bud, it will detach from the parent and it will grow on its own. मतलब एक बार सारे organs बन जाने के बाद, development बाद में हो सकता है, पर बनना पहले important है. तो बड में पहले सारे ऑर्गेनल्स बन जाएंगे. आफ्टर दैट व्हेन द बड इज कम्प्लीटली रेडी टू लीव द पेरेंट, इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड इट विल ग्रो ऑन इट्स ओन. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बडिंग. थर्ड वन, एज वी डिस्कस, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स दे ऑल्सो फॉलो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स विच आर ऑब्जर्व. फर्स्ट वन इज अल्गल स्पोर एंड द सेकेंड वन इज फंगल स्पोर. Now, what is the difference between these two spores? Very important difference. Algal spores are motile in nature. They have flagella with the help of which they can do movement. Flagella ke baare mein aapne 5th chapter, 11th standard ke cell structure and organization mein aapne detail mein padha hai. What is the importance of flagella? Flagella helps the organism to move. Okay? It gives the organism the motility. So, algal spores, they are motile. While fungal spores, they are non-motile. So, algal spores ka example, agar hum dekhe, Chlamydomonas, there is a zoosporangium, there is a bag in which the parent cell, it stores all the spores and once all the spores are produced, are developed properly, they burst open the bag, they burst this zoosporangium and they come out of that bag. And they depart on their own way as they have flagella for their movement. Whereas in fungal organism, in fungal penicillium, which is non-motile, they produce sporidia. They produce a very specialized structure known as sporidia. When the wind is blown, these spores, they spread apart and they take their support to the substratum and then they grow individually. But these spores cannot go anywhere on their own. They need an agent for its pollination or for its growth. Okay, so this is an example of fungal spore formation and this is an example of algal spore formation. Algal spores are motile and fungal spores are non-motile. Students, please make a note of this. This is very important from entrance point of view. Which one is motile and which one is non-motile, and to remember one example of which. Please make sure that you star mark it. The last one is binary fission. Binary fission follows nothing but one parent cell. As I said earlier, that when a parent cell divides into two daughter cells, the genetical constitution remains the same, the morphology remains the same. So when the parent cell divides into two daughter cells, as you can see the division, you have studied this in cell division chapter as well in your 11th standard. So this is an amoeba, which has no particular shape. The entire genetic constitution of the amoeba is on its division stage. Once divided, you can see two properly developed daughter cells which resemble the parent cell in exact way. So this is about asexual reproduction, about the different modes of asexual reproduction given in your textbook. In detail, we discussed them.
and about the gerule formation in sponges. It is similar to that of the spore formation. Please go through it from your 11th standard textbook. Okay. So we discussed asexual reproduction in detail. Let us cover the last topic of asexual reproduction given in a textbook as well. It is vegetative propagation. पहले तो आप इस word का मतलब समझ लीजिए. What is the meaning of vegetative propagation? Vegetative propagation means any part of the plant which do not involve sex cells or gametes, like seed or flower. Seed or flower को छोड़कर जो भी plant के parts reproduction में help करते हैं, like leaves, stem, buds or root. These are not the sexual parts of the plants. These are the asexual parts of the plants. So any asexual part of the plant, when it helps in reproduction or in propagation. Propagation means spreading or growing. So when any asexual part of the plant which helps in propagation of a particular species, that process is known as vegetative propagation. Please, dear students, make sure that you understand the meaning of vegetative propagation very clearly. What is vegetative propagation? Whenever any asexual part of the plant, that is leaves, stem, bud or root, I am repeating again, not the sexual part, not the seed or the flower. Seed or flower nahi. No fruit, no seed, no flower. Jisme bhi gametes hote hain, wo parts chhod kar. The parts which do not contain any sex cells, like leaves and these ones, they are considered as vegetative parts of the plant. And when these vegetative parts of the plant help in the production of new offsprings from the parent plant, that is known as propagation. So another name for asexual reproduction is vegetative propagation. Please make sure that you note it down. Okay, what is the importance of vegetative propagation? Since it do not contain or it do not accept any reproductive part of the plant, it gives us genetically identical offspring to the parent. Okay, so these are two important characteristics of vegetative propagation. There are three main topics mentioned under this vegetative propagation. They are cutting, grafting and tissue culture. You know what is cutting? It's very simple concept. Honestly, these two concepts, the cutting and the grafting concept, are very simple as compared to the earlier ones that we studied. Cutting is nothing but when a small part of the plant containing maximum buds, suppose if I consider, let's take example of this itself. When a small, when this is a plant, this is already rooted to the ground. So whenever a small part, let me draw it over here. Whenever a part of the plant which is already rooted to the ground, this part, suppose it contains maximum buds or maximum leaves and all. So when this part of the plant is cut and it is sown into the ground, okay, so this part will automatically attach its base to the substratum and it will grow as an individual new plant. Okay, so the part of the plant which contains maximum buds, when that part of the plant is used, when it is cut and when it is used individually, they grow as the new plant. And that is why, as we all know, traditional plant which has been used since ages, the rose, it do not have any seed or any particular fruit to grow. The rose is grown from an old grown plant. Okay, so the stem of the rose which contains maximum number of buds or maximum number of leaves, that stem is cut and it is sown into the soil, which develops its roots and it attaches to the substratum. Wo root banakar apna base strong kar leta and then it grows as an individual new plant. Another example is blackberry. We can cut the root of this plant and we can sow it into the soil. It will again develop its roots. It will hold its support from the substratum and it will grow as an individual new plant. This was an example of cutting. Again, we did not use any reproductive part over here, so it follows under vegetative propagation. The second one is grafting. Graft matlab kya hota hai? Joining two things. Okay, in human anatomy or in medicine, we talk about plastic surgery, that is skin grafting. कहीं पर अगर फेस जल जाता है और एनी पार्ट ऑफ द स्किन व्हेन इट गेट्स डैमेज्ड, वी रिमूव द स्किन फ्रॉम अनदर ऑर्गन ऑफ द सेम ह्यूमन एंड वी अटैच इट ओवर देयर. सो दैट इज नोन एज अ ग्राफ्ट. एक पार्ट से निकालकर दूसरे पार्ट में लगा देना. सिमिलरली ग्राफ्टिंग का मीनिंग वही है.
But here, two different plants, two different plants and two different parts of the plants, they are cut and they are joined together to obtain the maximum yielding species. Suppose agar ek plant ka root bahut zyada strong hai but usme zyada flowers ya fruits nahi aa rahe hain aur dusre plant mein flowers aur fruits bahut zyada aate hain lekin uska root ka problem hai, to hum ye dono species ko join karke ek naya plant grow kar sakte hain. Again, let me tell you, it is not as easy as it sounds. Ye jitna easy lagta hai utna easy hai nahi. It takes thousands of experiments to conclude ki ye particular species is compatible with this species. Compatible matlab kya hota hai ki dono ka jo ratio hai, dono ka jo genetic constitution hai, wo ek dusre ko accept karna chahiye. Agar ek plant ka root dusre plant ke stem ko support nahi karega to wo plant dead ho jayega, wo aage grow hoga hi nahi. So grafting में हम basically क्या करते हैं, please have a look over here. This is my first plant A and this is my another plant B. Suppose my first plant A has a very strong root, okay, but it is not able to produce fruits for some XYZ reason. And my plant B, it has a weak root but it produces a lot of fruits and flowers on its stem. So what I will do is I will cut plant B. Plant A will be there. I will cut both the plants. I will cut plant A, I will cut plant B. पर कहां से कट करूंगी? प्लांट ए का रूट वाला पार्ट नहीं उखाड़ना है मुझे, क्योंकि उसका रूट ही स्ट्रॉन्ग है. तो रूट वाले पार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है, जो यूजलेस पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट, आई विल कट दैट. ओके, सो दिस इज माई प्लांट ए. प्लांट बी में से मुझे जो स्टेम वाला पार्ट चाहिए था, आई विल कट दैट एंड आई विल ट्राई टू ग्राफ्ट इट टूगेदर विद माई ओल्ड प्लांट, विद माई प्लांट ए. So when we join plant A with plant B, when we join plant A with plant B, we get a new whole individual that is known as grafting. Jo, please remember these terminologies, it is very important. The plant which holds its support to the ground, it is known as stalk. Matlab jo apna root ground pe support ke liye pakad ke rakhta hai, jis plant ke root ko hum bilkul nahi hilate hain, usko hum bolte hain stalk. और जो नया प्लांट बाहर से आया है उसको बोलते हैं स्कियोन. एक प्लांट ऑलरेडी रूट में था, एक प्लांट का स्टेम कट करके हमने ज्वाइन किया, तो जो पार्ट ग्राउंड में पहले से अटैच्ड है दैट इज नोन एज स्टॉक. एंड द प्लांट विच वी एडेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, लाइक व्हेन द प्लांट विच वी एडेड फ्रॉम अनदर, द पार्ट विच वी एडेड फ्रॉम अनदर प्लांट इज नोन एज स्कियोन. प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेम्बर दीज टू टर्म्स. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. द नेक्स्ट वन इज टिश्यू कल्चर. This tissue culture also you have studied in detail. Let us discuss again. What is tissue culture? When a very small tissue or when a very small part of the plant is used to develop a whole new plant. आपने कैलस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था in your 11th standard. Let us discuss it in detail quickly. Suppose this is my particular plant. Okay, it has its stem, its leaves, its flower, etc., etc. Now suppose if I take a small part of this stem and it contains cambium or it contains some vegetative nutrients which is important for the proliferation or for the growth of the new plant. Isme jo basic nutrient agar hain is tissue mein plant ke, tissue kaise banta hai, cell, ek cell, cell will divide, it will form a multiple layer of cell which will get converted into tissue, tissue will further form organs of the plants like stem, leaves, flowers, buds, etc. So, अगर मैं प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट से छोटा सा टिश्यू ले लूं, इस टिश्यू में सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को फर्दर प्रोलिफरेट करने के लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो उस टिश्यू को मैं एक अगार मीडियम में सो कर दूंगी. दिस इज माय अगार मीडियम विच कंटेन्स सेम न्यूट्रिएंट्स एज दैट ऑफ सॉइल. जो न्यूट्रिएंट्स हमको सॉइल में मिलेंगे वही न्यूट्रिएंट्स इस अगार में है. तो अगर मैं इस टिश्यू को अगार मीडियम में सो कर दूं, इसको प्रॉपर लाइट दूं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दूं, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको क्या दिखाई देगा कि ये टिश्यू इज ग्रोन इनटू कैलस. थोड़े दिन के बाद आपको दिखाई देगा कि इस कैलस से नीचे की तरफ कुछ रूट निकल रही है, ऊपर की तरफ कुछ लीव्स निकल रही हैं. आफ्टर फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व अ फुल ग्रोन स्मॉल प्लांटलेट फ्रॉम दिस टिश्यू. थोड़े दिनों के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो स्टार्टिंग में छोटा सा टिश्यू हमने डाला था वो हमको एक पूरा का पूरा नया प्लांटलेट दे रहा है. डियर स्टूडेंट्स, ये टिश्यू कल्चर जो है ये बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग फील्ड है इन द फील्ड ऑफ बॉटनी एंड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बहुत ज्यादा स्कोप है इस फील्ड में, टिश्यू कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर हो या एनिमल टिश्यू कल्चर हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेक्निक एक ऐसी है, माइक्रो प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं. इससे आपका
टाइम बचेगा और आपका कल्टीवेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इसके बारे में अच्छे से 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को वापस से रिवाइज कर दें। हमने यहाँ पर देख ही लिया, दिस इज योर ओरिजिनल प्लांट सोर्स, यू टुक अ स्मॉल टिश्यू फ्रॉम इट, यू डिप्ड इट इनटू द अगार मीडियम, उसको थोड़े दिन के लिए इंक्यूबेट कर दिया, मतलब ग्रो होने के लिए छोड़ दिया, तो आपको मिलता है कैलस। दिस कैलस फर्दर प्रोलिफरेट्स रूट्स एंड शूट, द रूट एंड शूट फर्दर डेवलप्स द कैलस इनटू अ होल न्यू प्लांटलेट, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यू कल्चर, इट सेव्स टाइम एंड इट गिव्स डबल द क्वांटिटी विच यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। So this is about asexual reproduction. Let's quickly revise. What is asexual reproduction? Producing offsprings without the fusion of gametes. Two modes of asexual reproduction is also known as apomixis. That is without the fusion of gametes. Asexual reproduction के अंदर हमने बहुत सारे types पढ़े हैं. Fragmentation का example Spirogyra. Budding का example yeast. Then next was स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें दो टाइप के स्पोर्स हमने देखे, अल्गल एंड फंगल। अल्गल वंस आर मोटाइल, प्लीज रिमेम्बर, ओके, क्लैमिडोमोनास, एंड द फंगल वंस आर नॉन मोटाइल, कोनिडिया फॉर्मेशन, पेनिसिलियम। देन द नेक्स्ट वी ऑब्जर्व अबाउट बाइनरी फ्यूजन, अमीबा पैरामोशियम, पेरेंट सेल डिवाइडिंग इंटू टू डॉटर सेल्स, एंड द लास्ट वन गैम्यूल फॉर्मेशन, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। आफ्टर दैट वी सॉ वॉट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मीन्स नॉन sexual part of the plant, that is asexual, okay, no seed, no fruit, no flower, इनको छोड़ के जो parts हैं, leaves, stem, bud, root, when they are used for propagating, for growth of a particular species, that is known as vegetative propagation, they are genetically identical, and these are the several methods of vegetative propagation, cutting, grafting, please remember this, and tissue culture. Hope you understood. The next part will be continued in our next session. If you have understood the lecture properly, please subscribe to our channel, like and share. Thank you.